सबसे पहले नमस्ते, मैं किरण बडोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ ये मिक्स वेज यानी कि मंचूरियन या मिक्स वेज कोफ्ते। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या कर रखा है कि ये जो है ब्रोकली है, हरी वाली गोभी जो होती है उसको भी मैंने जो है ग्रेटर से ग्रेट कर रखा है, और ये भी मैंने जो है गाजर है तो गाजर को भी ग्रेट कर रखा है, ये जो है फूल गोभी है तो इसे भी मैंने ग्रेट कर रखा है। आप चाहें अपने मनपसंद की सब्जियों को ग्रेट करके इसे बना सकते हैं। और अब मैं इन सारी सब्जियों को एक मिक्सिंग बाउल में मिक्स करूँगी। इसमें चाहे पत्ता गोभी भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें बेसन मिला लूंगी। बेसन अपने हिसाब से मिलाएं और अच्छी तरह से बाइंडिंग होने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा मैदा भी मिला दे रही हूँ। थोड़ा मैंने काली मिर्च पाउडर डाल दी है इसमें, ये हल्दी, मिर्च भी अपने अनुसार ही मिलाएं और नमक भी स्वाद अनुसार, और एक मैंने जो है ये हरी मिर्च बारीक कट करके डाल ली है इसमें। और थोड़ा सा हरा धनिया भी कट करके इसमें डाल लिया है। और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो पहले इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी और अब इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी इस तरह से, ज़्यादा एकदम पानी ना डालें नहीं तो ये गीला। और ये मिक्स करके मैंने एक डो की तरह बना लिया है इस तरह से, और इसको अब छोटी छोटी लोइयां बना के इस तरह से अपने मनपसंद की इस तरह से इसकी बाइंडिंग कर दें इस तरह से। अब हमने ये सारी जो हैं गोलियां बना ली हैं और अब मैं इन्हें तलूंगी। तो अब तेल भी गर्म हो गया है क्योंकि मैंने पहले ही चेक कर दिया था, और अब मैं इन बॉलों को इसमें डालूंगी इस तरह से, और फ्लेम को भी मीडियम रखें ताकि धीरे धीरे ये तले। तो ये हो गए हैं फ्राई, देखिए कितना प्यारा कलर भी आ रखा है इसका। और आप भी जैसे कि थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची हुई रहते हैं तो उनको इसी तरह से रेसिपी बना सकते हैं अपनी मनपसंद की। और अब सारे बॉल्स तो मंचूरियन मैंने तल दिए हैं, तो वापस उसी कढ़ाई में मैं जो हूँ फिर से जो है इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या कर दिया है, ये जीरा डाल दिया है, इसको भी चटका लूँगी, और थोड़ा सा मैं ये साबुत धनिया भी चटका रही हूँ। और अब मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर कट कर रखे हैं तो इनको मैं भून लूँगी। थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी, और अगर इसमें प्याज भी और लहसुन भी डालना चाहिए तो डाल सकते हैं। इनको थोड़ी देर तक भुनने दूंगी। और अब टमाटर भी भुन चुके हैं तो इनको मैं निकालूंगी एक प्लेट में। और थोड़ी देर तक ठंडा होने दूंगी। और अब टमाटर भी ठंडे हो गए हैं तो इनको मैं जो हूँ ग्राइंडर में पीस लूंगी।
साथ में जो हूँ दो हरी मिर्च डालूंगी और ये अदरक का छोटा सा टुकड़ा डालूंगी। और ये थोड़ा सा जो है पुदीने की पत्तियां हैं इन्हें भी मैं डालूंगी। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और अब इसे जो हूँ मैं पीस लूंगी। और ये मैंने जो है पेस्ट तैयार कर दिया है यानी कि ग्रेवी बनाने के लिए। चलिए अब तेल भी गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल लेती हूँ जीरा। और साथ में डाल देते हैं एक तेज पत्ता। और जीरा भी चटक गया है तो जो हमने जो ग्रेवी बना रखी है टमाटर की इसे इसमें डालेंगे। इसमें जो है थोड़ा पानी डालेंगे। ग्रेवी आपको जितनी गाढ़ी या पतली चाहिए उतना आप पानी डाल सकते हैं इसमें इस तरह से। थोड़ी देर तक ग्रेवी को उबलने देंगे इस तरह से। और ग्रेवी भी अब पकने लग गई है तो साथ साथ में हम इसके मसाले भी डाल लेंगे। ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च अपने स्वाद अनुसार, और नमक भी अपने स्वाद अनुसार डालें। और थोड़ी देर तक पकने देंगे। और ये जीरा पाउडर। फ्लेम को मीडियम करेंगे और ढक्कन लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्रेवी पक गई है क्योंकि मैंने इसे बीच में बार बार इसे चलाती रही हूँ और ये अच्छी तरह से बन गई है। इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए सोया सॉस डालूंगी इतना सा। और इस तरह से इसे मिक्स कर लूंगी। और अब इसमें जो है मंचूरियन बॉल डाल लेंगे। इस तरह से सारे तैयार हो रखे थे अब इनको इस तरह से एक एक करके मैं इसमें डालूंगी। और थोड़ी देर तक इन्हें पकने देंगे इस तरह का ढक्कन लगाएं। और अब जो है बीस मंचूरियन तैयार हो गए हैं ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से डालूंगी इनमें कसूरी मेथी और अब मैंने फटाफट से सर्व कर लूंगी। तो ये बन गए हैं मंचूरियन यानी कि मिक्स वेज कोफ्ते।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।